बीमार है सीधे से, उनका तो अभी ऐसा भाव जाए ना, नहीं तो महीने डेढ़ महीने में आप 5-7 नब्बे दिन में ध्यान कर लो, जपा जा रहे हैं जपा जा रहा है। जब ऐसा पास शुरू हो जाएगा तो आप बात करोगे, सोओगे, जागोगे, बैठोगे, उठोगे, वो अंदर वाला अपना जपने लग जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, फिर केवल ध्यान करो। समझे समझे, फिर उस नाम जब जब ध्वनात्मक हो जाएगा तो आपको नाक सुनाई देने लग जाएगा, झिंगुर की आवाज, चिड़िया के चहचहाट, शंख ध्वनि, बादलों की गड़गड़ाहट, वो ध्वनात्मक हो जाए, फिर और नाम जपने की जरूरत नहीं, फिर नाद नाद को सुनते रहो, सड़क पर चलोगे सुनाई देगा। मुझे नहीं मालूम था ये गंगा नाथ जी क्या देंगे, पर कहते हमारे खाने पीने देने से ये चलता है बेचारा, नहीं तो ये क्या करेगा। पर वो मरते वक्त आदेश दे दे के आगे काम तेरे करना है, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा बाप जी कौन रिकॉग्नाइज करेगा मेरे को, धार्मिक दृष्टि से जाट कोई अधिकार ही नहीं है। तो कहा जी तेरे को एक सिद्ध आसन दे दिया, तू दुनिया में कहीं भी बैठ जा, लोग अपना पा जाएंगे। अरविंद ने कहा कि हमारे धर्म में दो आराधनाओं के तरीके, एक निर्गुण निराकार की आराधना जो मैंने की गायत्री मंत्र से, एक सगुण साकार की आराधना जो मूर्ति पूजक कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणा मंत्र लेते हैं और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और उनके अंदर केमिकली बदलाव आता है और मुक्ति हो जाती है, दोनों ही मुक्ति हो जाती है, मगर मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुँचना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर एक आदमी को एक ही जन्म में ये दोनों सिद्धियाँ हो जाए, सगुण और निर्गुण की, तो फिर आम आदमी को वो फिर एसेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सत्ता जिसके लिए एसेंड कर रहा था वो डिसेंड कर जाएगी इस फिजिक्स में। समझे समझे, तो मेरे को तो इनोसेंट वे में होगी। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य भारतीय योग दर्शन का मेन उद्देश्य मोक्ष है, रोग नहीं। एक विज्ञान है, बहुत अजीब विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान सबसे पूर्ण विज्ञान है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कस्मजी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूँ। बीकानेर में अब रिटायर हो गए अब्दुल रजीज सुलेमान, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर, उनको जब पता लगा कि हीमोफीलिया ठीक हो गया तो वो आश्चर्य करने लगे, उन्होंने कहा जी ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज। मेरी एक अंतर्वती नहीं लगी, इसलिए मैं भी किसी से कुछ नहीं लेता। कई लोगों ने मेरे को कहा कि क्यों नहीं लोगे, मैंने कहा देता ही नहीं कुछ, मैं तो क्या दूं, लूं तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। आप जन्म से पूर्ण हो, मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप क्या हो, आत्म साक्षात्कार कराऊंगा। इस प्रकार जब आप नाम जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी, वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है, साधक उसको रोक नहीं सकता न कर सकता, वो तो मजबूर हो जाता है, जैसे मूवमेंट शुरू हो गया तो रोक ही नहीं सकेगा। तो इस प्रकार जो शारीरिक रोग है उसी अंग का योग होगा जो साधक का अंग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, इसलिए हर एक को अलग अलग योगी क्रियाएं होगी, अभी होगी, आज ही होगी, जाने से पहले ही करवा के आपको प्रूव कर दूंगा कि वास्तव में कुंडलिनी शक्ति जिसे मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं वो है। ईसाई मेरे से ज्यादा परेशान, उनका ईसा 12 साल की उम्र में गायब रहा और 18 साल कहाँ रहा उनके बाइबल कहते हैं पता ही नहीं कहाँ, अचानक वही जंगल में जेरूसलम में प्रकट हो गया और भारतीय भाषा बोलने लग गया। एक्सेप्ट मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तब मैंने कहा बी बोर्न अगेन का क्या अर्थ है तुम ही बता दो, अब वो परेशान है। दो ही तरीके नाम जप और ध्यान, इसमें किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं है, एक कश्मीरी शैव सिद्धांत है। बॉम्बे में कोई 20 मुसलमान स्त्री पुरुष दीक्षा लिए हज करके आए और ठीक हो रहा है।
तो ये बहुत अजीब तरह का विज्ञान है जो सरफेस पे आ गया। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है और मेडिकल साइंस के पास नशे की दवाई से अचेतन कर देना 8-10 घंटे के लिए वो थोड़ी भूल जाता है, जो ही नशा उतरा वो टेंशन वैसा और रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते हैं मगर स्पिरिट का करवाते, मैटर का नहीं करवाते, किसी औषधि का नहीं करवाते। हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी कहा है। इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसको आप जपोगे तो उसका नशा आ जाएगा और बाकी नशे सारे फीके हो जाएंगे, समझे? तो इस प्रकार नशा भी छूट जाएगा। मगर वो बात सत्य है, मैंने कहा हमारा दर्शन कहता है आत्मा के कोई जेंडर नहीं होता, ये न्यूट्रल जेंडर है, कभी मेल बन जाए कभी फीमेल बन जाए। तो बड़ी परेशानियां हो गई वेस्ट को मेरे कारण से। तो इस प्रकार ये विश्व धर्म होगा। 195 सूत्र है पातंजलि दर्शन में, उसमें केवल पद तक पहुंचा दिया है। पहले मुझे लोग कहते हैं ताने के रूप में, अब तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैंने कहा आप नहीं समझते हो, पातंजलि जी ने कहा है कि यह परिवर्तन 5 कारणों से आता है। पहला कारण पूर्व जन्म के संस्कार, फिर जप तप योग और फिर औषधि। औषधि से भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया पातंजलि जी ने, और गुजरात में बड़े हैरान हुए लोग। उन्होंने कहा जी आज तक ऑटोमेटिकली ध्यान योग नहीं हुआ, और दूसरा आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैंने कहा ऑटोमेटिकली नहीं होता है, कुंडल नहीं करवाती है, मगर स्पॉन्सर गंगा ही नाथ है, समझे? स्पॉन्सर गंगा ही नाथ, बिना स्पॉन्सर के हम नहीं चलता। विज्ञान का योग है, जब तक हम हमारे धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित नहीं कर देंगे तब तक लोग नहीं मानेंगे। परेशान इसलिए है कि बिना दवाई के ठीक हो रहा है। मंत्र शास्त्र हमारे देश का एक बहुत पुराना तरीका है। शंकरदास जी शर्मा अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक दफा जरूर कहा था, मैंने बॉम्बे में पढ़ा था कि इस पर शोध होनी चाहिए। तो मैं जो काम कर रहा हूँ उसका उद्देश्य, भारतीय योग दर्शन का मेन उद्देश्य मोक्ष है, रोग नहीं। पातंजलि योग दर्शन देख लो आप, आज पातंजलि योग दर्शन का बहुत प्रचार कर रहे हैं, मगर पातंजलि योग दर्शन क्या है वो आपको नहीं पता। पातंजलि ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है मंदिर मन जो है वो शांत होकर बैठ नहीं जाए, उन्मना नहीं पड़ जाए, तब तक कोई ध्यान नहीं योग है। और पहले उसमें चार चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद, और मतलब पहले साधन, उससे फिर वो क्या साधन करो वो, फिर उससे होने वाला रिजल्ट, और आखिर में कैवल्य पाद। तो समाधि पाद 24-29 सूत्र पर ऋषि ने कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होती। ईश्वर के नाम जप के बिना कोई सिद्धि नहीं होती। आज जितना भी योग हो रहा है नाम जप के बाद कोई नहीं कहता है, समझा? मैं वेस्ट में जाके आया अमेरिका 2 दफा, वहां भी ये शारीरिक कसरत करवाई जा रही है, और जैसा यहां बिक रहा है वैसा वहां भी बिक रहा है, समझे? समझे? और सबसे बड़ी परेशानी उनको ये है कि एक तो मैं बिना दवाई के ठीक कर रहा, दूसरा वैदिक दर्शन को
प्रमाणित कर रहा हूँ जो विश्व दर्शन है, अब वह इज्मा जा सकता है, आगे आ जाता है। ईसाई नाराज, यहूदी नाराज, मुसलमान तो है ही है, वो तो कहते हैं सजदा नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समझे। मगर अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है, दुनिया देख रही है, मेरा वेबसाइट है उसको पूरा विश्व देख रहा है। मैंने अमेरिका में कहा था कि केवल मैटर से आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा, अभी 10% बीमारियां हैं जिनका इलाज है, 90% तो यूं ही मानते हैं डॉक्टर। बीकानेर में अब रिटायर हो गए अब्दुल अजीज सुलेमान, गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर, उनको जब पता लगा कि हीमोफीलिया ठीक हो गया तो वो आश्चर्य करने लगे। उन्होंने कहा जी ये तो नोबेल प्राइज का केस है, नोबेल प्राइज। मैंने उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नोबेल प्राइज कितने मिलेंगे, 19-20। सबको कह दो कि एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, ये तो हीमोफीलिया। उन्होंने कहा ये तो बायोमर्स चेंज हो गए, उसमें दो फैक्टर होते हैं 8 और 9। मेरे अभी जो डॉक्टर बोल रहे थे मथुरिया, ये और डॉक्टर भी कहते हैं जो फैक्टर चेंज हुआ है उस लड़के को, नागौर में है, समझे। उस हिसाब से इसको जीने का हक नहीं, पर उल्टा ठीक हो रहा है। तो एक विज्ञान है, बहुत अजीब विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान सबसे पूर्ण विज्ञान है। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा कि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है, दर्शन एक पूर्ण विज्ञान है। तो मैं जो कर रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूँ। मेरे शिष्य थे गंगाइना जी महाराज, वो एक भगवे वस्त्रधारी नाथ थे, मैं तो एक रिश्ते आदमी हूँ, उनके आदेश से मेरे को ये काम करने का, काम करना आदेश की पालना करना जरूरी था, इसलिए रेल में नौकरी करता था, हैंड क्लर्क था। 7 साल पहले नौकरी छोड़ के ये काम करने लगे, मेरी एक अगरबत्ती नहीं लगी, इसलिए मैं भी किसी से कुछ नहीं लेता। कई लोगों ने मेरे को कहा कि क्यों नहीं लोगे, तो मैंने कहा देता ही नहीं कुछ, मैं तो क्या दूं, लेऊं तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। आप जन्म से पूर्ण हो, मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि आप क्या हो, आत्म साक्षात्कार कराऊंगा, समझे ना, समझे। पहले गुरु होते भौतिक माता पिता, जो 8 मास के शरीर की रचना की, दूसरा गुरु जो द्विज बनाता, दूसरा जन्म जाता गुरु। ईसाई मेरे से ज्यादा परेशान, उनका ईसा 12 साल की उम्र में गायब रहा और 18 साल कहाँ रहा, उनके बाइबल कहते हैं पता ही नहीं कहाँ, अचानक वही जंगल में जेरूसलम में प्रकट हो गया और भारतीय भाषा बोलने लग गया। एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन जो अंतिम होगा, 1/3 जनता बचेगी इस प्लेनेट पे, समझे, समझे, 1/3 जनता बचेगी, केवल मात्र वही बचेगा। बाइबल कहती है जिसने मोहर लगा ली माथे में, फोरहेड में, वो तो माथा लिखते हैं, उनको मालूम नहीं फोरहेड भी कोई चीज है, यहाँ तीसरी आंख होती है शिव की, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं डॉक्टर्स को, यहाँ से ऊपर की कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार जब आप नाम जपोगे तो आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी, वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने वश में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है, साधक उसको रोक नहीं सकता न कर सकता, वो तो मजबूर हो जाता है, जैसे मूवमेंट शुरू हो गया तो रोक ही नहीं सकेगा। तो इस प्रकार जो शारीरिक रोग है उसी अंग का योग होगा जो साधक का अंग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है,
इसलिए हरेक को अलग अलग योगी क्रियाएं होगी। अभी होगी, आज ही होगी, जाने से पहले ही करवा के आपको प्रूव कर दूंगा कि वास्तव में कुंडलिनी शक्ति जिसे मदर ऑफ यूनिवर्स कहते हैं वो है। समझे समझे? तो ये हमारा दर्शन बहुत ठीक है, कलयुग के गुणधर्म के कारण से लोप हो गया था, अंधकार का टाइम है, तो रात में तो लोग चांद और तारों से प्रकाश लेते हैं, इसलिए चांद और तारों वाले धर्मों का बोलबाला है। समझे ना समझे? तो मतलब सविता देव को कहा है हमारे गायत्री मंत्र में, सविता देव के प्रकाश को अंदर धारण करने की प्रार्थना है, ओम भूर्वस्व। फिर स्वामी विवेकानंद जी बीच में आ गए, उन्होंने कहा जी गुरु के बिना इस पथ पर नहीं चल सकते, तो गुरु बना लिए। मुझे नहीं मालूम था ये गंगाना जी क्या देंगे, पर कहा जी हमारे खाने पीने देने से ये चलता है बेचारा, नहीं तो ये क्या करेगा। पर वो मरते वक्त आदेश दे दे के आगे काम तेरे करना है, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा बाप जी कौन रिकॉग्नाइज करेगा मेरे को, धार्मिक दृष्टि से जाट कोई अधिकार ही नहीं है। तो कहा जी तेरे को एक सिद्ध आसन दे दिया, तू दुनिया में कहीं भी बैठ जा, लोग अपना पा जाएंगे। तो इस जगह मेरे कई आगे कार्यक्रम हुए। तो एक नाम जपोगे जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, चाहे डॉक्टर ने उनको इनक्योरेबल कह दिया है। मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैं अमेरिका गया तो महर्षि अरविंद के बारे में जानकारी नहीं है उनको, बिल्कुल जानकारी नहीं है। समझे? उन्होंने अरविंद ने कहा है इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला 1906 में प्रकट हो गया वंदे मातरम। हमको आज हमारे देश में वंदे मातरम का भी उच्चारण नहीं करने दिया जा रहा है संस्थाओं में, पाश्चात्य संस्कृति ने दबा दिया है हमारे धर्म को। समझे? दूसरे मंत्र के बारे में कहा है वो संजीवनी मंत्र है, वो संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र की बात बताऊं आपको, लक्ष्मण बेहोश हो गए थे बाण लगे सब, तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए दी तो उसमें आगे और मर जाते तो कोई होश नहीं आते। तो इसको महर्षि अरविंद ने संजीवनी मंत्र कहा है, मगर साथ ये कहा है ये माइस्टेक है, ये मोस्ट सीक्रेट है, नॉट येट रिवील्ड, अभी प्रकट नहीं हुआ, इंस्पायरेशन नहीं हुआ उसका। वो कृष्ण उपासक थे उत्तरापाड़ा अभिभाषण में, कृष्ण ने उनके वो युक्त स्थिति में सारे आदेश दिए थे। समझे? तो मैं उस मंत्र का आपको दीक्षा दूंगा, सीक्रेट है इसलिए आप पर रोक लगाऊंगा कि उसको आप किसी को नहीं बताओगे, जो दीक्षित नहीं है। जो दीक्षित है सात दीक्षा लिए अनपढ़ है तो बता सकते हो, मगर उसको नहीं बताओगे जो दीक्षा में नहीं आए। उसके जपड़े से जो कुंडलिनी जागृत होगी वो सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, अस्थवा डायबिटीज गठिया वठिया, तो गठिया बड़ा खतरनाक रोग है, एड कैंसर मार देता है, वो गांठ बना देता है, सारे अंग प्रत्यंग जकड़ जाते हैं, नाने धोने में टट्टी जाने में खाने में तक में परेशानी होती है, वो भी इससे ठीक हुए हैं, कईयों के हुए हैं, कोटा में हुए हैं, यहाँ भी हुए हैं, जानकारी नहीं मुझे की कोटा में, तो मालूम मुझे आईएल में एक हैं, उनके वाइफ के था गठिया। तो इस प्रकार नाम जप होगा तो योग होगा। समझे? दूसरा है ध्यान, दो ही तरीके नाम जप और ध्यान, इसमें किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं है, एक कश्मीरी शैव सिद्धांत है। बॉम्बे में कोई 20 मुसलमान स्त्री पुरुष दीक्षा लिए हैं, हज करके आए और ठीक हो रहा है। तो ये बहुत अजीब तरह का विज्ञान है जो सरफेस में आ गया। कलयुग के आदि गुरु मच्छेंद्रनाथ जी थे, उनके आदेश से मैं जा रहा हूँ। मच्छेंद्रनाथ के बारे में एक कहावत है, एक हमारा दार्शनिक कहता है
कि शिव पार्वती बैठे थे, समझे नहीं समझे? तो पार्वती ने कहा, महाराज मैं तो मरती हूँ जन्मती हूँ, मरती हूँ जन्मती हूँ, और आप ना जन्मते मरते मेरा भी पीछा छुड़ा क्यों नहीं देते हो? तो शिव जी ने उसको मंत्र बताया, वो पार्वती सो गई। अब शिव जी ने कहा, क्यों देवी ठीक है? तो कह लगे, महाराज मैं तो सो गए, क्या कहा? तो ध्यान किया तो मच्छी के मच्छी वीर मच्छी के पेट में मच्छिंद्रनाथ बैठा आऊ करता रहा। अब शिव जी उसका क्या बिगाड़ ले? तो आज भी हमारे धर्म में नाथ पंथ में नवनाथ अमर है। मैं मेरी इच्छा से कार्यक्रम नहीं बनाता, न प्लान करता हूँ। मेरे लिए गंगाधर जी आज भी उतने प्रभावी है जितने जीते थे, कहीं उससे कहीं ज़्यादा। पहले तो नौकरी करता था, उसमें तो रिटायरमेंट हो जाता था, ये तो रिटायरमेंट ही नहीं देगा, जीऊँगा जीते उसका आदेश की पालना कर लूँ। तो हमारे ऋषियों का आदेश है कि इस धर्म को अगर विश्व धर्म बनाना है तो विश्व में जा, समझ। अमेरिका में न्यू जर्सी में एक टीवी शक्कर का चैनल है, उसमें मेरा इंटरव्यू लिया था साक्षात, उसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू है, समझे ना समझे। उसमें मैंने कहा था कि मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ, इस ज्ञान का दान करने आया हूँ। वहाँ मैंने उनको कहा कि वैदिक मनोविज्ञान कहता है शरीर की रचना 7 प्रकार के कोषों से हुई है, उसके अंदर आत्मा है। मैंने कहा उस हिसाब से ऋषियों ने 4 कोषों की वर्णन किया, तो पहले मैटर से शुरू किया, मैटर से अन्न से बनने वाला कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो मैंने उनको कहा, भैया 4 कोष तुमने खूब चेतन कर लिए, अन्न प्राण मन और विज्ञान, सच्चिदानंद जो है जिसे हम कृष्ण को सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिदानंद। मैंने कहा जब तक वो 3 कोष चेतन नहीं होंगे तुम्हारा मैटर मानव शांति नहीं कर सकता, मैटर प्लस स्पिरिट फिर कोई रोक नहीं रहेगा, समझे। मैंने कभी भी ज्ञान का विरोध नहीं किया। मैं कहता हूँ अंदर जो डॉक्टर बैठा है उसने जो ज्ञान बाहर वाले को दे दिया उतना ही जानता है, उससे आगे नहीं जानता। अंदर जो बैठा है वो तो उसके पास तो ज्ञान की पराकाष्ठा है, जैसे कुंडलिनी को मदर ऑफ यूनिवर्स का है, समझे। तो मैंने कहा दोनों डॉक्टर मिल जाए फिर कोई रोग नहीं रहेगा। अब वो परेशान थे, इसने अंदर वाले डॉक्टर की और बात कह दी, मगर जब योग होने लग गया तो अब वो चुप बोले नहीं। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे रोग खत्म होंगे शारीरिक, अब मानसिक रोग भी खत्म हो जाएंगे। 80% बीमारियां मेंटल टेंशन से रिलेटेड है, और मेडिकल साइंस के पास नशे की दवाई से अचेतन कर देना 8-10 घंटे के लिए, वो थोड़ी भूल जाता है, जो ही नशा उतरा वो टेंशन वैसा और रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते मगर स्पिरिट का करवाते, मैटर का नहीं करवाते, किसी औषधि का नहीं करवाते। हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी कहा है, सिखों के गुरु पहले गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने कहा कि भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी ने कही, नाम अमल उतरा ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं, और अमल चिंचन चट उतरे नाम अमल दिन बढ़े सवाया। इस प्रकार जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसको आप जपोगे तो उसका नशा आ जाएगा और बाकी नशे सारे फीके हो जाएंगे, समझे। तो इस प्रकार नशा भी छूट जाएगा। मैंने चैलेंज किया है, वेस्ट में भी किया है, यहाँ भी कर रहा हूँ,
कि नशा छुड़ाना भौतिक साइंस के बस की बात नहीं है, समझे नहीं समझा? मैटर से कुछ नहीं फायदा होगा, प्लस को स्पिरिट को प्लस करना पड़ेगा। किराड़ा से किराड़ा का एक माली मेरे पास आया, नरेंद्र सैनी, उसको किसी कारण से हीरोइन के इंजेक्शन खाने पड़ गए। इंटरवेंस पहले तो कंपाउंड से धीरे से लगा लेता और फिर 8-10 रोज लगाना पड़ेगा तो आज से लगाता, 10 प्रिक करता तब कहीं खून मिलता। तो मेरे पास बीकानेर आया, उसका बहनोई बीकानेर में ड्राइवर, अब तो रिटायर हो गया। दूसरे दिन से इंजेक्शन बंद का एक गोली नहीं ली। जोधपुर में डॉक्टर्स को बताया मैंने, कही क्या है, तो उन्होंने कहा जी हमारी साइंस कहती है ये आदमी जिंदा रहने का हक ही नहीं रखता। वो आज भी किराड़ा गांव में ट्रैक्टर चलाता है अपना, उसने इंटरव्यू दिया है खुद, पश्चिम ने उसको पटा, उन्होंने कहा दिया तो बहुत गजब हो गया। 97 में एक अंग्रेज लड़की मेरे पास भी करने रहा दीक्षा लेने के लिए, वो शोध कर रही थी आखिर शांति क्यों नहीं होती। तो उसकी मदर ने कहा कि 10-11 साल की लड़की थी तब, कहती थी मैं पिछले जन्म में पायलट थी, तो क्या इसके फादर ले गए और इसकी इस लड़की ने 11 साल की लड़की प्लेन लैंड कर दिया। मैंने कहा तो बहुत दुर्लभ हो गया। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तुम्हारी बाइबल तो कहती है मुर्दे एक साथ जिंदा होंगे, कब्रें खुलेगी, फिर न्याय होगा, ये निकल के कैसे आ गई पहले ये, तो जरा फील करके। मगर उस लड़के को कोई मतलब नहीं था। आज वो लड़की अमेरिका में है मेरे आशीर्वाद से, डेनिस कुचिनिकी के साथ उसकी शादी हो गई। मैं अभी गया तो मैंने पूछा एलिजाबेथ अब तो ये बात कैसे कह सकती है क्या? कहने को जी ईसाई मेरे खा जाएंगे, क्योंकि ये तो सारे वो तो ईसाई सही है, मगर वो बात सत्य है। मैंने कहा हमारा दर्शन कहता है आत्मा के कोई जेंडर नहीं होता, ये न्यूट्रल जेंडर है, कभी मेल बन जाए कभी फीमेल बन जाए। तो बड़ी परेशानियां हो गई वेस्ट को मेरे कारण से। बिल गेट्स साहब यहाँ आए थे, मैंने बॉम्बे से वाशिंगटन दो है डीसी और एक पश्चिम है, उसकी वाइफ है मिलिंडा गेट्स, बॉम्बे से मैंने इंटरनेट से ईमेल किया, मेरी एक शिष्य है जुई जो आज अमेरिका, कि अगर वास्तव में आप सीरियस हो तो इस तरह से ये एड्स क्योर हो रहा है। तो उसने कहा हमारा आपका वेबसाइट मैंने देख लिया, जरूरत होगी तो नहीं आए कोई नहीं, मतलब इतने संवेदनहीन हो गए विश्व के सत्ता लोलुप्त लोग, कि प्रत्यक्ष रिजल्ट लेबोरेटरी दे रही है फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी नहीं प्रचार नहीं करने देते इस देश में, प्रचार नहीं करने देते। मैंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल के आजम को एक ज्ञापन दिया था 1,00,000 से ज़्यादा आदमी ने दस्तखत करके कि अमेरिका की तिजोरी मत भरो, भारत सरकार को कहो कि कम से कम मेडिकल जांच तो करवा ले। राष्ट्रपति ने गवर्नमेंट को भेज दिया, सुषमा स्वराज स्वास्थ्य परिवार मंत्री और अटल जी प्रधानमंत्री, कोई नहीं ध्यान दिया। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, ये निकलती है पत्रिका निकलती है आरके पुरम में, समझे, स्वदेशी पत्रिका, उसके वो संपादक मेरे शिष्य हैं कुलदीप सिंह रतन, अब तो वो चले गए कांडला। तो मैंने कहा कि आखिर इस शोध, और मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो तुम कह रहे हो ना धर्म के ठेकेदार बने, मैं जो कर रहा हूँ क्या मैं ईसाइयों का प्रचार कर रहा हूँ? मैं 100% जो है ये हिंदू दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ, और आने वाले टाइम में तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारी विरोध करेंगे और तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। वो पड़ गया, ये चुनाव रिजल्ट आ गया उनके सामने आ गया, समझे समझे। तो इस प्रकार
और नाम का नशा आ जाएगा, सारे नशे छूट जाएंगे, समझे। अब आपने देखा अभी चंद्रलोक में भेजा था ना एक यान हमारे लोगों ने, तो वो पहुंच के चंद्रमा पे, इस तरह से नीचे स्पार्क होता है तो ऊपर। तो हमारे धर्म में भी वही, हमारा साइंस भी वही है, कुंडलनी रीड के हड्डी के आखिरी हिस्से में, बॉटम में, बेसमेंट में 3.5 आंटे लगा करके दुम को दबा के मुंह में, और अचेतन रहती है डोरमेंट पोजिशन में। अगर सिद्ध गुरु हो तो जागृत हो सकती है, आठ योग से करोगे तो पागल हो जाओगे, ये हार्ट फेल हो जाएगा, ये फैक्ट है। तो मैं जो मंत्र की दीक्षा देता हूँ उससे कुंडलिनी जागृत हो जाती है। उस सहस्रार में उसका मालिक बैठा है, वो नीचे तो ऊपर कटे उसे। तो योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव जी करवा रहे हैं बेचारे, ये हठयोगी है, सारे हठयोगी है। मैं अमेरिका देखे है, सारे हठयोगी है। इस हाथ के डॉक्टर अलग है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, सिलेबस है, उसको मरोड़ता है, अंग विशेष का स्पेशलिस्ट होता है। अरविंद ने कहा ये हमारे धर्म में तो, हमारे देश में तो ये योग गुरु शिष्य परंपरा में चलता है, जिसे शक्तिपाद दीक्षा कहते हैं, शक्तिपाद दीक्षा। तो जो मंत्र बताऊंगा उससे वो एक्टिवेट कुंडलनी चेतन हो जाएगी, और ऊपर उठने की कोशिश करेगी। अब कैसे उठे, कोई पुश करे नीचे से, तो अपान वायु नीचे जाता है। तो इसमें 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग गया, अपान वायु नीचे नहीं गया तो ऊपर खिसकना लग गया। दूसरा जो नाभि से ऊपर उठी, इसको कहते हैं उड़ियान बंद। आप चाहे कितने ही मोटे हो, नाभि रीढ़ की हड्डी चिपक जाएगी, अभी चिपक जाएगी। फिर ऊपर उठते उठते ये कंठ के नीचे जो गड्ढा है कंठ कोप में, इससे ऊपर निकलेगी। 3 बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। बाकी हिस्सा जो रह गया गर्दन का, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। अब तो प्राणायाम पहले ही करवा देते, पहले आसन से लगेगा, फिर वायु ऊपर उठेगा, यहाँ से ऊपर उठने के लिए फिर प्राणायाम होगा। जब कुंभक पूर्ण हो जाएगा, एक झटके के साथ कुंडली यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, फिर योग नहीं होगा, समाधि लग जाएगी। ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि, जड़ समाधि नहीं है। मगर समाधि लगने के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो विज्ञान वाले फिजिकल और मेंटल तो को टैकल करते हैं, स्पिरिट में आके पीछे स्नायु मंडल को टच करते हुए आज का डॉक्टर डरता। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नाम का नशा करने से छूट गए, ये जीवन तो सुधर गया, समझे समझे। कलयुग का मतलब है ये आखिरी चरण है, इसके बाद में नया सतयुग शुरू हो जाएगा, महर्षि ने कहा है, समझे समझे। कलयुग का पहला सतयुग, समझे। तो ये एक अजीब बात है कि सभी धर्म एक जैसी बात बोलते हैं, सभी कहते हैं पीछे देखो क्या हुआ, हम क्या कहते हैं राम ने किया, देखो कृष्ण ने किया, और चले जाओ सतयुग में, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया, और पीछे देख रहे हैं, चल रहे हैं आगे, पीछे चल रहे हैं, देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, चल रहे हैं आगे, तो खड्डे में नहीं गिरोगे, ठोकर नहीं खाओगे, तो क्या होगा। केवल भारतीय योग दर्शन कहता है, पातंजलि ऋषि कहता है कि अनलिमिटेड फ्यूचर को देखा सुना जा सकता है। विभूतिपाद में एक चैप्टर है 33 और 36, उसमें कहा है कि उसका ज्ञान क्या नाम है, प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है जब साधक
अनलिमिटेड फ्यूचर में ठकी हुई ढकी हुई गाड़ी छिपाई हुई चीज को देख सकता है। अणिमा अणिमा नाम की एक सिद्धि होती है, आठ सिद्धियां होती है भगवान के, अणिमा गरिमा लघिमा। तो इस प्रकार अगर आपने ध्यान की स्थिति में अपने परिचितों की मौत देख ली इस आंख से, तीसरे नेत्र से, वो आप सबके है शिव का तीसरा नेत्र जहाँ आप लोग बिंदी लगाते हो, यहाँ ध्यान करो, समझे नहीं समझे? गुरुत्वाकर्षण ही ध्यान है, ये शरीर में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, समझे? मेरा छोटा छोटा लड़का साइंस का स्टूडेंट है और बूढ़े आदमी भी पैरों के द्वारा लगाने मेरे को लगे, जी आप क्या कर रहे हो, अब क्या बताऊं बेटा, स्टार्टिंग अ टाइम। तो दिमाग में आए कि कोई बात है, चुम्बक का टुकड़ा था पिनों पर पकड़ा दिया, गुच्छा छिपे गया, पावरफुल चुम्बक था। मैंने कहा ये छूटती क्यों नहीं है, कौन इसको पकड़ रहा है, दिखता तो नहीं। उसने कहा ये तो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। मैंने कहा और पीतल वाला भी तो मेटल है, मेटल है, उससे क्या वो क्यों नहीं चिपकती। मैंने कहा बेटा इस तरह से पॉजिटिव लोग ही झुक रहे हैं, नेगेटिव नहीं झुकेंगे। रावण झुका क्या, कंस झुका क्या, दुर्योधन झुका क्या, उनके वंशज अब ज़्यादा है जो, इसलिए वो तो नहीं झुकेंगे। तो इस प्रकार ध्यान की स्थिति में आपने कईयों की मौत देख ली, और जैसे देख परिचितों की, और जैसे देखी वैसे मरते गए, मरते गए, मरते गए, बीमारी से, एक्सीडेंट से, रोग से, एक्सीडेंट से। तो अगर ख्याल आ गया तू कौन सा मरोगा, तो दिख जाएगा कैसे मरोगे। सब जानते हो नहीं मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों हो, और वो किसी को छोड़ते नहीं। तो इस नाम जप और ध्यान से माया का आवरण क्षीण हो जाएगा और आपको मौत की सच्चाई मालूम हो जाएगी, समझे समझे? केवल नाम जप और ध्यान से, समझे? और जब आपकी मौत देखी तो घबरा गए और भगवान से प्रार्थना की कि मैं तो नालायक था, जो गड़बड़ कर ली, तू दयालु है, माफ़ कर दे। आंख बंद करके इस जगह ध्यान किया कि वो तो यहाँ बैठा है, पलक उलटते ही सामने आ गया, समझे? पलक उलटते ही सामने आ गया। उसके साक्षात्कार होने के बाद में मौत थोड़ी होगी, समझे? महर्षि अरविंद ने जिस योग की बात कही है उसे टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी का पार्थिव अमृत्व, समझे समझे? अरविंद ने कहा है कि हमारे धर्म में दो आराधनाओं के तरीके, एक निर्गुण निराकार की आराधना जो मैंने की गायत्री मंत्र से, एक सगुण साकार की आराधना जो मूर्ति पूजक कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तुलसी चरणा मंत्र लेते हैं और सात्विक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, और उनके अंदर केमिकली बदलाव आता है और मुक्ति हो जाती है, दोनों ही मुक्ति हो जाती है, मगर मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता है, यहाँ पहुँचना पड़ता है। महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर एक आदमी को एक ही जन्म में ये दोनों सिद्धियाँ हो जाए, सगुण और निर्गुण की, तो फिर आम आदमी को वो फिर एसेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सत्ता जिसके लिए एसेंड कर रहा था वो डिसेंड कर जाएगी इस फिजिक्स में, समझे ना समझे? तो मेरे को तो इनोसेंट वे में होगी, इनोसेंट वे में होगी। अब वो समस्या उनकी ये है, मैंने मेरी किताब में लिखा है ध्यान करो तो इस 18 साल कहाँ रहा तुमको मालूम हो जाएगा, और आज नहीं कल उनको ध्यान करना पड़ेगा। एक बॉम्बे की लड़की ने एक फिल्म बनाई है, उसमें उसने कहा है कि ईसा जो है भारतीय संतों के पास और कश्मीर में लेकर के
दीक्षा गया था तब उसने कहा था एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। तो इस प्रकार ये विश्व धर्म होगा। 195 सूत्र है पातंजलि दर्शन में, उसमें केवल पद तक पहुंचा दिया है। पहले पहले मुझे लोग कहते थे ताने के रूप में, अब तो अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैंने कहा आप नहीं समझते हो, पातंजलि ने कहा है कि यह परिवर्तन 5 कारणों से आता है। पहला कारण पूर्व जन्म के संस्कार, फिर जप तप योग और फिर औषधि। औषधि से भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया पातंजलि ऋषि ने, समझे न समझे। हमारे धर्म में तो कायाकल्प तक का वर्णन आता है, समझे। आज तो हम पश्चिम का दिया हुआ जहर खा रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा अमेरिका में शुद्ध रूप से वो खाद जैविक खाद डालते हैं, रासायनिक से डरते हैं। और सारा अमेरिका में पिसा हुआ आटा कनाडा से आता है, जहाँ खेती करते हैं 70% से ज़्यादा सरदार लोग। तो मेरे प्रोग्राम्स हुए हैं इजराइल में, हुए हैं ध्यान केंद्र चल रहे हैं सैकड़ों। रोजिनी और एक आई थी तेल अबीब से 2003 में बीकानेर, मेरी तस्वीर का ध्यान हुआ तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ईसा में हो गया। फिर बगी हुई आई, पहले तो सब आने वाले थे 200-300 आदमी, वो 50 साल से ऊपर के लोगों को कंप्यूटर सिखाती थी। फिर वो आए कि आप तो इनकार्नेशन ऑफ जीसस हो, यहाँ क्यों बैठो हो, अमेरिका चलो, अभी तो इजराइल में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, अभी आप पढ़ रहे हो कैसा भयंकर युद्ध अभी भी चल रहा है। और तीसरा विश्व युद्ध का कारण वो होगा यहूदिया का देश इजराइल, समझे नहीं समझे। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो सरफेस पे आ गया भाई। बीमारे सीधे से उनका तो अभी ऐसा भाव जाएगा नहीं, तो महीने डेढ़ महीने में आप 5-7 नब्बे दिन में ध्यान कर लो, जपा जा रहे जपा जा रहा। जब ऐसा शुरू हो जाएगा तो आप बात करोगे, सोओगे, जागोगे, बैठोगे, उठोगे, वो अंदर वाला अपने आप जपने लग जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर केवल ध्यान करो, समझे समझे। फिर उस नाम जब जब ध्वनात्मक हो जाएगा तो आपको नाद सुनाई देने लग जाएगा, झिंगुर की आवाज, चिड़िया के चहचहाट, शंख ध्वनि, बादलों की गड़गड़ाहट, वो ध्वनात्मक हो जाए। फिर और नाम जपने की जरूरत नहीं, फिर नाद को सुनते रहो, सड़क पर चलोगे सुनाई देगा। इसमें खेचरी मुद्रा और लगती है, वो पता है नहीं, वो सबसे बड़ी मुश्किल मुद्रा है। उसमें क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है, सख्त होकर ऊपर तालु में दस जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करती है, और वहां से एक रस पकता है। गोरखनाथ जी ने इसे अमृत कहा है, गोरखनाथ कहा है गगर मंडल में उमदा कुआ कहा अमृत का वासा, सुखरा हुए बरबर फिर निगरा जाए प्यास। तो मेरे तो लाखों शिष्यों को खेचरी लग रही है, समझे समझे। मगर हमारे ऋषियों ने इसको गूंगे का गुड़ कहा है, अब बोल नहीं सकता उसको गुड़ खिलाओ तो क्या है। तो एक को लग गई एक को नहीं लग गई, वो तो अपने अपने किस्मत की बात है, मगर लगती है लाखों शिष्यों को खेचरी लगती है। और गुजरात में बड़े हैरान हुए लोग, उन्होंने कहा जी आज तक ऑटोमेटिकली ध्यान योग नहीं हुआ, और दूसरा आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैंने कहा ऑटोमेटिकली नहीं होता है, कुंडली करवाती है, मगर स्पॉन्सर गंगा ही नाथ है, समझे, स्पॉन्सर गंगा ही नाथ, बिना स्पॉन्सर के हम नहीं चलता। तो इस प्रकार एक परिवर्तन जो आ रहा है वो आप सब में आएगा, किसी जाति धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रोग्राम 8 तारीख को कोटा, और 15 से गुजरात चला जाऊंगा, सूरत से शुरू करूंगा, 30-31 तारीख को वापस जोधपुर आ जाऊंगा। तब तक ये आपका लोकसभा का हो उलट हो जाएगा, गर्मी भी बढ़ जाएगी, फिर जून में चुनाव खत्म हो जाएगा, तो मैं फिर हो सकता है अमेरिका चला जाऊँ।
हो गए, बट गए, फिर चलो अब ध्यान करो। पंद्रह मिनट ध्यान करो, यहाँ आंख बंद करके बोले शिव की तीसरे आंख में देखो, और नाम तो चल रहा, नाम के बिना मन स्थिर नहीं हो। पांच सात मिनट में फिर कहीं चलेगा तो मुझे देखोगे। तो इस तरह से जो गैप्स आएंगे वो तो 15-20 दिन के अभ्यास से, और जो बीमार है उनको तो अभी से ऐसे पर शुरू हो जाएगा। Oh!
बाबा नहीं बाबा मत छोड़ के जाना बाबा बाबा बेटी को खाएगी बाबा बाबा देखो टाइम हो गया 15 मिनट छोड़ो नहीं ना बाबा ये ध्यान का तरीका है स्पिरिचुअल मेडिटेशन ध्यान करने से पहले आपसे एक बात पूछूं आपको कैसा लगा मुझे बड़ा आनंद आया और जब आपका ध्यान लगा हुआ था हाँ जी तो आपको क्या यह महसूस था कि आप कहाँ हो हाँ मुझे महसूस था लेकिन क्रियाएं को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा शरीर जैसे पीछे जा रहा था और इतना मूवमेंट हो रहा था अपने आप में उसको रोक नहीं पा रहा था ठीक है और ये जो मुद्राएं आप कर रहे थे क्या आपको एहसास था कि मैं मुद्राएं कर रहा हूँ या स्वतः ही हो रही थी मुद्राएं स्वतः हो रही थी ऑटोमेटिक हो रहा था ये सब कुछ ठीक है मुझे बहुत ही अजीब आनंद आ रहा था दिव्य कार्यकर्ताओं से अनुरोध है।